हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और ए पार्ट में हमें गिवन है 1/2 ऑफ, और इसमें भी दो पार्ट है। एक तो हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 2:3/4, और फिर हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 4:2/9। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 ऑफ 2:3/4। यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स के ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर हमने ये 1/2 एज इट इज रखा, ऑफ की जगह यहां मल्टीप्लाई लगाया, और 2:3/4 एज इट इज रखा, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 4 × 2 = 8, 8 + 3 करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 11 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 4। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, 11 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में नहीं कट रहे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 × 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 4, 2 × 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर हमारा आ चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 11 को 8 से डिवाइड करके दिखाना है। यहां पर 11 को 8 से डिवाइड करा हमने, 8 11 में से 8 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 3। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो 1 है वो यहां पर आएगा, और उसके बाद ये जो रिमाइंडर है 3, ये यहां पर न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन में क्या आएगा, ये डिवाइजर। तो 11/8 जो हमारा आंसर आया था, उसी को हमने चेंज करके दिखा दिया है यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में, और हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 1:3/8। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स 1/2 ऑफ 4:2/9। तो सबसे पहले तो ये 1/2 हमने एज इट इज रखा, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई का साइन आया, और ये 4:2/9 यहां पर एज इट इज रखा। अब देखिए 1/2 एज इट इज है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज है। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 9 × 4 करेंगे 36 आएगा, 36 + 2 करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 38, अपॉन में क्या है 9। अब देखिए यहां पर ये 38 देखिए और ये 2 देखिए, ये आपस में कट सकते हैं। कैसे? 2 × 1 = 2, और देखिए 2 × 1 = 2, 3 में से 2 क्या 1 बचा, 1 और 8 = 18, 2 × 9 = 18। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 2 × 1 = 2 और 2 × 19 = 38। जब आप 38 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 19 बचता है। अब देखिए यहां न्यूमरेटर में क्या है 1 × 19, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 × 9। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 19 × 1 करेंगे तो न्यूमरेटर में 19 आएगा, और डिनोमिनेटर में 9 × 1 करेंगे तो यहां पर 9 आएगा। अब हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो हम इसको चेंज करके दिखा सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे? 19 को 9 से डिवाइड करें तो 9 × 2 = 18 होता है, 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। जैसे ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं। सबसे पहले 2, ये जो क्वोशेंट है ये यहां पर आएगा, फिर ये रिमाइंडर 1 यहां पर लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, ये डिवाइजर जो कि 9 है। तो 19/9 को ही हमने चेंज करके दिखा दिया है मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 2:1/9। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन का बी पार्ट सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बी पार्ट में एक तो हमें 5/8 ऑफ 3:5/6 फाइंड करना है, और 5/8 ऑफ 9:2/3 भी फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे 5/8 ऑफ 3:5/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 5/8 तो यहां पर एज इट इज रखा, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और 3:5/6 यहां पर एज इट इज रखा।
अब ये 5/8 एज इट इज है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज है। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, देखिए 6 × 3 18, 18 + 5 करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 23, अपॉन में क्या है 6, तो डिनोमिनेटर में 6 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम चेक करते हैं क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है। ये 5 और 6 तो आपस में नहीं कट सकते हैं, ऐसे ही ये 23 और 8 भी आपस में नहीं कट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 23 करेंगे तो आपको मिलेगा 115, अपॉन में 8 × 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 48। अब हमारा आंसर तो आ चुका है 115/48। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो हम इसको चेंज करके दिखा सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे, हम 115 को डिवाइड करेंगे 48 से, तो 48 × 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 96। 115 में से अगर आप 96 माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको मिलता है 19। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2, सबसे पहले ये क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ये रिमाइंडर 19 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन में क्या आएगा ये डिवाइजर यानी कि 48। तो इस 115/48 को ही हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा दिया है और हमारा फाइनल आंसर आया है 2:19/48। अब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स 5/8 ऑफ 9:2/3। तो सबसे पहले तो ये 5/8 यहाँ पर एज इट इज रखा, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 9:2/3 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब देखिए 5/8 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। अब ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, ये देखिए ना, 3 × 9 करेंगे तो 27, 27 + 2 करेंगे तो 29, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन में क्या चल रहा है 3, तो अपॉन में यहाँ आया 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, 5 और 3 आपस में नहीं कट सकते, और यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 8 है, ये भी आपस में नहीं कट सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 × 29 करेंगे तो आपको मिलेगा 145, और अपॉन में क्या आएगा 8 × 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 24। अब हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो हम इसको चेंज करके दिखाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, उसके लिए इस 145 को डिवाइड करेंगे 24 से। यहां हमने 145 को डिवाइड किया 24 से, 24 × 6 क्या होता है 144। तो 145 में से जब 144 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया, अब हम इसको चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ये जो क्वोशेंट है यानी कि 6, इसको यहां लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर है 1 ये यहां पर आएगा, और अपॉन में क्या आएगा ये जो डिवाइजर है 24। तो हमने 145/24 को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा दिया है और हमारा फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स 6:1/24। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।